आपसे बात हुई लम्हाए मौजूद में मौजूद रहने की, अब आप लम्हाए मौजूद में मौजूद हैं और यहाँ से आप अपनी सफ़र का आगाज़ करेंगे कामयाब ज़िंदगी का, लायक बनने का, लाइफ स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का, बेस्ड एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने का। और आप हैरान होंगे जब आप परफॉर्मेंस में बेहतर होते चले जाएंगे। बाज़ुकात आप खुद होंगे, आपके टीचर हैरान होंगे कि कैसे अचानक से आप इतने बेहतरीन हो गए हैं। जब पढ़ने बैठेंगे तो आपकी तवज्जो होगी अपनी पढ़ाई के ऊपर, आप फोकस कर पाएंगे, वो सब काम आप कर पाएंगे जो काम आपको करने हैं कामयाब होने के लिए, क्योंकि आपने लिखा है इस पेपर पे कि आप वो काम करेंगे जो काम आपको करने हैं कामयाब होने के लिए। उनमें से एक है अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट करना, अपने मकासद का तहयुन करना, अपने गोल्स की सेटिंग करना। अब आप अपने लिए गोल्स का मुतय्यन करते हो, टारगेट्स को सेट करते हो, और टारगेट्स को सेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हो। रोज़ाना की बुनियाद पर जब आप रोजाना पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आप अपना शेड्यूल बना के बैठते हो, अपना गोल सेट करके बैठते हो। रोजाना की बुनियाद पे आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपने कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, क्लासरूम में तवज्जो के साथ बैठना है, मयारी सवालात टीचर से पूछते हो। इस तरह से तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी दिन ब दिन हर दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तसव्वुर करो कि तुम अपनी क्लास में हो और अपने टीचर के साथ सवाल पूछते हो और तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है क्लास में सुनने से, पढ़ने से, याद करने से, लिखने से, क्लासरूम के अंदर भी और होमवर्क करते हुए। तुम्हें आसानी हो रही है या नहीं? अपनी ज़ात की गहराई में खोते चले जाओगे, गहरा, इससे भी ज़्यादा गहरा। एज यू आर लर्निंग टू यूज़ योर माइंड, पावर ऑफ योर माइंड थ्रू मेडिटेशन, दिस विल हेल्प यू टू बिकम एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, फैसिनेटिंग स्टूडेंट। हर आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको करती है और ज़्यादा रिलैक्स, और आप बेहतर से बेहतर, लाइक से लाइक बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो। आप रोज़ाना की बुनियादों पे पढ़ते लिखते याद करते हो, टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करते हो। जब तुम्हारे पास कोई टेस्ट आता है तो तुम उसकी मुकम्मल तैयारी करके आते हो, अपनी तैयारी बेहतरीन करते हो ताकि तुम बेहतरीन लायक स्टूडेंट बन जाओ। दैट्स गुड, एक्सेलेंट। इमेजिन करो कि अगर तुम आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा लायक हो जाओ तो कैसा फील करोगे। देखो अपने आप को वो काम करता हुआ जो लाइक स्टूडेंट करता है, लाइक स्टूडेंट पढ़ता लिखता याद करता है। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करोगे लाइक स्टूडेंट्स को कि वो कैसे लायक हुए, वो कैसे लायक बनते हैं, तो तुम वही काम करने शुरू करोगे जो लाइक स्टूडेंट करते हैं, तो तुम भी लायक हो जाओगे। तुम्हारी तवज्जो अपनी ज़ात के ऊपर होनी चाहिए, तो फिर तुम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर रहे हो, तुम कामयाब हो रहे हो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। जैसे ही जैसे तुम अपने आप को लायक बनाने के लिए कामयाब हो रहे हो तो तुम कामयाब हो रहे हो फोकस करने पे अपनी ज़ात के ऊपर। अपने दिल की धड़कन को सुनो, जैसे ही तुम अपनी सांसों को सुनते हो तो तुम बेहतरीन फील करते हो और अपनी ज़ात की गहराइयों में और गहरा, इससे भी ज़्यादा गहरा, और गहरा, इससे भी ज़्यादा गहरा जाते चले जाओ। दिन ब दिन हर दिन तुम बेहतर से बेहतर, लाइक से लाइक, बेहतर से बेहतर, लाइक से लाइक होते चले जा रहे हो। होमवर्क शानदार तरीके से तवज्जो के साथ करते हो। अब से पहले तुम्हें जो भी कैफियत रोक रही थी लाइक होने से, उस कैफियत को तुम तोड़ते हो, उस कैफियत से तुम होते हो आज़ाद और सिर्फ वही महसूस करते हो जो तुम्हें सेहतमंद रखता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें ज़हनी तौर पे स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम्हारे अंदर शरारतें मचलती हैं तो तुम उनको काबू में ले आते हो पढ़ाई के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। रुक जाते हो उन कामों से जो तुम्हें या तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को नुकसान पहुँचाते हैं या पहुँचा सकने की ताकत रखते हैं। दैट्स गुड, एक्सेलेंट। दिन ब दिन हर दिन बेहतर से बेहतर, लाइक से लाइक, बेहतर से बेहतर, लाइक से लाइक होते चले जाते हो। तुम मुकम्मल तौर पे अपने आप को कबूल करते हो ऐसे ही जैसे हो, इसलिए कि तुम लाइक, आउटस्टैंडिंग, फैसिनेटिंग, वंडरफुल, ज़बरदस्त बन जाओ। अपने आप के अंदर वो सारी की सारी सलाहियतें, अहलियतें और काबिलियतें महसूस करो जो लायक होने के लिए तुम्हें दरकार हैं। इससे पहले भी तुम कभी लायक थे किसी काम में, तुम अच्छे थे। उस काम को जहन में लाओ जिसमें तुम अच्छे थे, तुम बेहतरीन बने, और वो जो काम तुमने अच्छा किया उसके पीछे जो कुछ तुम्हारा माइंडसेट था, जो तुम्हारे सोचने का तरीका था, जो काम करने के लिए तुम्हारी तवानाई थी, उस सब को फील करो और इसी को अपनी पढ़ाई में ले आओ। तुम अपने आप को डेवलप करते हो पढ़ने लिखने याद करने में, और तुम हर दिन लाइक से लाइक, लाइक से लाइक, लाइक से लाइक होते चले जाते हो, पढ़ते लिखते याद करते हो और लाइक से लाइक होते चले जाते हो। अपने आप को बेस्ट बना लो, बेहतरीन बना लो, आउटस्टैंडिंग बना लो, और आहिस्ता आहिस्ता से अपने जिस्म और रूह को काबिल बना लो।
और वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक से पाँच गिनूंगा, पाँच पे वापस आना है, अपनी आंखें मुकम्मल तौर पे खोल लेनी है। दैट्स गुड। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, टेक योर टाइम, खामोश रहते हुए, खामोशी के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल तब्दीलियाँ कर लो, वो तब्दीलियाँ जो तुम्हें दरकार हैं ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल बनने में। अपने बेस्ट सेल्फ के साथ आज से तुम एक नई शानदार ज़िंदगी का आगाज़ करोगे, जिससे तुम बढ़िया ज़िंदगी जियोगे, लायक हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, ज़्यादा मेहनती हो जाओगे। टेक योर टाइम, कम बैक स्लोली एंड ग्रेजुअली, तमाम तब्दीलियाँ कर लो एक नए सेल्फ के साथ। दैट्स गुड, वंडरफुल, अमेजिंग। एब्जॉर्ब कर लो इसको अपने हर एक खुलिए में, जिसमें तुम हो एक लायक स्टूडेंट, तुम हो एक ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, जिसमें हो तुम एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, जिसमें तुम हो एक शानदार स्टूडेंट, जिसमें तुम हो एक बावकार स्टूडेंट, जिसमें तुम बेहतरीन इंसान हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी रूह पे काम करने वाला, अपने दिमाग को डेवलप करने वाला, अपने जिस्म की केयर करने वाला, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखने वाला शख्स बनते हुए, लाइफ स्किल्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाला। आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल तब्दीलियाँ कर रो और बेस्ट सेल्फ बन के उभरने वाला नौजवान पाकिस्तानी, जिस पे पाकिस्तान को फ़ख्र हो, जिसको वालदैन पे फ़ख्र हो। दैट्स गुड, वंडरफुल। आहिस्ता आहिस्ता से ज़रूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट्स करते हुए वापस आते चले जाओ। वो रवैये जो तुम्हें दरकार होंगे बेस्ट बनने के लिए, वो तरतीब जो तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की बात हो या फिर इमोशंस को मैनेज करने की बात हो, जो भी काम होगा तुम करोगे, क्योंकि तुमने डिसाइड किया है आज से कामयाब होना। दैट्स गुड, एक्सेलेंट, वंडरफुल। दो, वापस आते चले जाओ बेस्ट सेल्फ के साथ, बेहतरीन, वंडरफुल, हल्का फुल्का, लाइट फील करते हुए, रिफ्रेश्ड, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दैट्स गुड, वापस आते चले जाओ। तीन, तकरीबन जागा हुआ। चार, तकरीबन जागा हुआ। पाँच, फुली अवेक, अलर्ट, रिफ्रेश्ड, ओपन योर आइज नाउ, कम बैक, फुली अवेक, अलर्ट, रिफ्रेश्ड। दैट्स गुड, एक्सेलेंट। सब वापस आ गए हैं, क्लैपिंग।